आज़ाद मुल्क में रह के भी पूरी तरह आज़ाद नहीं। अगर आज़ाद होते तो ये जो दृश्य है देखने को मिल रहा है ये ऐसा नहीं होता। मोदी जी अपने जो काले कानून किसानों के ऊपर थोपे हैं ये अपने वापस ले लेता, इसीलिए हम अंदर से पूरी तरह जंजीरों में जकड़े पड़े और आज़ादी महसूस नहीं कर रहे। हम ऐसे घुटन महसूस करते हैं भी जैसे सभी किसान अंदर से पूरी तरह जंजीरों में जकड़े पड़े। कितने दिनों से आप ये जंजीर लगाते हैं? 18 दिन से मैं ऐसे ही खड़ा हूँ जी। ये सरकार कारपोरेट घरानों की सरकार है, व्यापारी छोटे किसानों और छोटे जो भी करता है, मजदूर है, कोई भी है, ये बिजनेसमैन की, बड़े बिजनेसमैन की सरकार है, छोटों की सरकार नहीं है। जो इसकी चाबी है ना जी वो अडानी और अबानी के पास है और मोदी जी को ये रिक्वेस्ट है उनसे चाबी लेकर इस ताले को खोलें और इस ताले को खोलें और हम सब किसान आप अपने घरों में जाएं, जो काले कानून ठोके गए किसानों के ऊपर वो वापस लें और उसकी चाबी भी खुल जाएगी। पहली बात तो पंजाब वालों को ज़्यादा बोलते हैं ये खालिस्तानी है। पंजाब का बेटा बॉर्डर पर जाके शहीद हो जाता है तो उसको हीरो बना देते हैं, वो उसी बेटे का कोई भाई या उसका बाप आन के आंदोलन में कोई बात अपने हक मांगता है तो उसको आतंकवादी बना देते हैं। ये कोई बात थोड़ी है, ये कोई बात नहीं है। सभी किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, एक भी ऐसा नहीं है। हम जाग चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, सारे सब किसान के ही बेटे हैं सभी किसान। कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये तो वैसे सरकार अपने रोप लगा रही है, ये या वो है, कुछ नहीं है ऐसा। तो सरकार ने बात करनी वो करे, किसानों से बात करे, हमारी जथेबंदियाँ से बात करे तो फिर तो उसका हल भी होगा। हम जीत के जाएंगे, जीतने के लिए ही और जीत के ही जाएंगे। हमें भी मीडिया वाले ऐसे ही चाहिए, लोग अच्छे जो हमारी भी बात, किसानों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं। हमें गोदी मीडिया नहीं चाहिए, ये मीडिया हम इस मीडिया का हम दिल से स्वागत करते हैं।